हेलो ग्राउंड, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी हो। क्वेश्चन नंबर 15 बाइनोमियल क्वेश्चन चल रहा है जेईई लेवल का, ओके। और क्वेश्चन नंबर 16 से आज क्वेश्चन नंबर 15 डाउट हुआ है, जो 15 ही है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो आपके पास कह रहा है कि आपके पास एक्सपेंशन दी गई है बेटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल टू की पावर 4। एग्जाम्पल 15, अच्छा एग्जाम्पल 15 पूछे हैं, मैं क्वेश्चन 15 पे आ गया हूँ। चलिए एग्जाम्पल 15 पहले करा देता हूँ, ये अभी करवाएंगे इसको, पहले एग्जाम्पल करा दे फिर एक्सरसाइज करते हैं बेटा। चलिए चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एज्यूम दैट एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स सेकंड एंड हाई पावर मे बी नेग्लेक्टेड, देन द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस टू एक्स टू द पावर 2 बाई 3 4 प्लस 5 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ये आपको वैल्यू बतानी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि एक्स इज सो स्मॉल, एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है और इतना छोटा है सच दैट कि इसकी सेकेंड और हायर पावर को आप नेग्लेक्ट कर दो, मतलब जो एक्स की सेकेंड पावर है दैट इज टेंड्स टू जीरो और एक्स की थर्ड पावर भी क्या है जीरो, एंड सो ऑन, जितनी एक्स की बड़ी पावर है उनकी वैल्यूज क्या हो रही है जीरो। ये कह रहा है कि एक्स की हायर पावर जीरो है, तो भैया आपको कहना है वन माइनस टू एक्स की पावर 2 बाई 3 वन माइनस टू एक्स की पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 बाई 2 4 प्लस 5 एक्स होल टू की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई, आपको कहना 1 माइनस रूट एक्स क्या होगा, 1 माइनस रूट एक्स यार 1 माइनस रूट एक्स को मैटर 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 लिख दो, कोई दिक्कत है क्या। कह रहा है कि बताइए इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी जो कम से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको आप 1 माइनस 2x की पावर 2 बाई 3 4 प्लस 5x की पावर 3 बाई 2 ओके, एंड ये 1 माइनस x की पावर क्या हो गया बेटा माइनस 1 बाई 2, बोलो हाँ ना, हो जाएगा ना। अब एक काम कीजिए यहाँ से, आप ये जो x के कोफिशिएंट है इनको सबको बाहर निकाल दो, x के कोफिशिएंट को क्या कर लो बाहर बाहर निकालोगे तो यहाँ से 2 की पावर 2 बाई 3 बाहर आएगा और बनेगा 1 माइनस, देखो बेटा ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 बाई 3 निकलेगा बट अंदर तो 2 आएगा, 1 अपॉन 2 माइनस x की पावर कितना बोलो 2 बाई 3। फिर इसमें ले लो 5 बार तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा बार 4 की पावर 3 बाई 2, अंदर क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस 5 बाई 4 की पावर कितना 5 बाई 4 x की पावर कितना 3 बाई 2 और 1 माइनस x की पावर कितना बेटा माइनस 1 बाई 2, बोलो आया कोई दिक्कत यार। देखो 2 की पावर 2 बाई 3 2 की पावर 2 बाई 3 यदि है तो 2 रूट 2, 2 की पावर 2 बाई 3 कितना आएगा 2 रूट 2, सही लिखा है 2 की पावर 2 बाई 3 कितना आ जाएगा, एक मिनट क्या बोल रहे हो 2 की पावर 2 बाई 3 4 की पावर 3 बाई 2 क्या, हाँ यहाँ पे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे x के साथ जो निकला है वो आएगा तो 5 आएगा यहाँ पे 5 की पावर 3 बाई 2 और ये बन जाएगा क्या 4 बाई 5 और ये कितना हो जाएगा प्लस x, बिल्कुल सही है ना, और 4 बाई 5 प्लस x किस तरीके से ये हो गया आपका। एक चीज देखो यहाँ पे कि क्या ये स्ट्रक्चर हमारी सपोर्ट करेगी 1 प्लस x टू दी पावर n, क्या ये स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पे सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, 1 माइनस 2 x की पावर 2 बाई 3 है 4 प्लस 5 x, ये तो ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है हायर पावर के लिए, आप याद कीजिए क्या है 1 प्लस x
की पावर n जो बनता है, अगर x बहुत छोटा हो, x क्या हो बहुत छोटा, तो n अंदर आ जाता है, याद है आपको, 1 प्लस nx हो जाता है, हो जाता है ना, 1 प्लस nx हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या आया, यहाँ पे हो ये आया कि अपन जो है यहाँ पे इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, अपन ने बना लिया 1 किसको, नहीं ये नहीं करना है, अपन का पहला टर्म क्या होना चाहिए 1, तो ये थोड़ा गलत हो गया, अपन को पहला टर्म 1 करना पड़ेगा, अब इसको समझो, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं भाई, ये तो 1 ही है, तो 1 माइनस 2x की पावर कितना बेटा 2/3, ये 1 बनाओ, तो यहाँ पे 4 कॉमन लो, तो बेटा 4 की पावर 3/2 कॉमन आएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 प्लस 5x अपॉन 4, की होल पावर कितना 3/2, और ये ठीक है 1 माइनस x की पावर माइनस 1 रहेगा। अभी आप देखो ये सारी जो एक्सपेंशन बन चुकी है ये किस फॉर्म में बन चुकी है, 1 माइनस a माइनस b की पावर n, a माइनस b की पावर n। अब इनको आपको ओपन करना है, इनको आपको open. अच्छा भैया इन लोगों ने कह रखा है कि x की सेकेंड पावर कितनी है, 0 है, तो शुरुआत के एक टर्म तक ही ओपन करें, काय को बाकी के टर्म ओपन करें, चलो तो एक टर्म इसका ओपन करोगे तो आपको पता है ये वाली जो पावर होती है अंदर आ जाती है, तो 1 माइनस 2 टू का कितना बेटा इनटू कितना x, 4 की पावर 3/2, तो पहले 4 का रूट होगा, तो 4 का रूट होगा 2, और 2 का पावर 3 कितना बनेगा 8, नहीं है समझ नहीं, क्यों नहीं है, 4 की पावर 3/2 इसको लिख सकते हो, 4 की पावर 1/2 का होल पावर 3, 4 का रूट यानी कि 2, और 2 का पावर 3 कितना हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 8। चलो अब ये 3/2 फिर से अंदर ढोल दो इसमें, है ना, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 15/4 और कितना x, सही है 8 होगा, 8 होगा, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/2 x। भाई ये पूछ क्या रहे हैं, ये हमसे पूछ क्या रहे हैं सवाल में, सवाल में हमसे पूछ रहे हैं इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू, ओके इसकी सरल वैल्यू क्या होगी, मतलब इसी को अपन को सॉल्व करना है ना, इतना हो चुका, बस अब इसी को अपन सॉल्व कर दें, चलो जरा सॉल्व करते हैं, 1 माइनस बेटा ये हो गया 4x/3, है कि नहीं है, 8 को बाहर रहने दो, 8 को बाहर रहने दो, जरा ऑप्शन भी देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा, चलो 8 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 1 प्लस 13x अपॉन कितना बेटा 8, ये भी हो गया, और 1 प्लस कितना हो गया x/2, अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलो देखो 8 को रहने दो बाहर, पहले इन दोनों को लगा दो, पहले इन दोनों को लगा दो, या पहले इन दोनों को लगा दो, फिर ज्यादा इजी ये लिख रहा है भैया, तो अपन पहले इन दोनों को लगा देते हैं, तो 1 into 1 कितना हुआ 1, माइनस 4x/3 into 1 कितना हुआ, एक मिनट, 1 into x/2 कितना हुआ x/2, फिर माइनस 4x/3 हो गया माइनस 4x/3, और फिर 4x/3 into x/2 वही x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर क्या है 0, x स्क्वायर क्या है 0, पहले बता दिया है, तो उसको रखने की कोई जरूरत है ही नहीं है, चलो आगे क्या बचा 1 प्लस 15x/8, ठीक है भाई समझ आ रहा है, चलो 1 into 1 कितना हुआ, तो 8 तो पहले से बैठा है, 1 into 1 कितना हुआ 1, 1 into 15x/8 तो कितना 15x/8, फिर यहाँ पे x/2 into 1 है कितना हो गया x/2, and x/2 15x/8 डबल पावर हो गई 0, फेल खत्म, फिर माइनस 4x/3 into 1 माइनस 4x/3 हो गया, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, 8 1 प्लस, हाँ देखो भाई 8 है 2 है 3 है, एलसीएम कितना आएगा 8 2 3 का 24, कितना आ गया 8 2 3 का एलसीएम 24, ठीक ना, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 8 3 24 है ना, 24 15 15 गुणे 3 कितना हो गया 45, 2 से 24 12, तो ये कितना हो गया 12 है, 3 से 8 बार 8 3 4 जो 32 है ना, चलो 45 और 12 को जोड़ो उसमें से 32 माइनस करो, 45 और 12 कितना हुआ 57 है ना, 57 माइनस 32, 57 में से 32 को माइनस करो, साथ में 2 के 5 कितना हुआ 20, हाँ 25 हुआ, तो ये अपने पास आ गया 8 इंटू 1 प्लस 25x अपॉन कितना 24, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास, अपने पास इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे 8 1 8 8 1 8, ऑप्शन की भाषा में आंसर दूंगा 25x मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन कितना 20, तो आज से कितने बार कैंसिल, 3 बार आंसर 8 प्लस 25x अपॉन 3, चेक करो 8 प्लस 25x अपॉन 3, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यस सर सही है, 8 प्लस 25x अपॉन 3, क्लियर।
छोटा होता है बेटा, तो ये आ जाता है 1 प्लस एन एक्स, क्या हो जाता है ये 1 प्लस एन एक्स। छोटा होने के लिए कम से कम कितनी वैल्यू लिखा हुआ है ना उसमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है छोटा क्या नियर अबाउट 0, 0 के आसपास हो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, ये तो हमारे फिजिक्स में चलिए ना ग्रेविटेशन में। चलिए आप स्टार्ट से देखिए, जहां पर प्रॉब्लम हो रही वहां पर पूछो। भाई 4 की पावर 3 बाई 2 का मीनिंग होता है 4 की पावर 1 बाई 2 की पावर 3। साइंस क्लास में पढ़ोगे 1 बाई 2 अलग कर लो 3 अलग कर लो। 4 की पावर 1 बाई 2 मतलब कितना 2। अरे 4 का रूट भाई, 4 का रूट 2 और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, है ना। ठीक है चलो नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने पूछा है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 7.995। देखो बेटा 7.995 होल टू द पावर 1 बाई 3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 7.995 होल टू द पावर 1 बाई 3। ये अब ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि 7.995 का से क्यूब रूट घनमूल पूछा जा रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या क्वेश्चन दिया है 7.995 होल टू द पावर 1 बाई 3। अब आप सोचोगे यार मैं ऑप्शन से कुछ देख के कर लूं, पहला दिमाग तो यही आना चाहिए। तो देखो 1.99965 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
बाइनोमियल थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 1 बाई 3 है। सो बाइनोमियल थ्योरम से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या इसको 8 माइनस 0.005 लिख सकता हूँ, 8 माइनस 0.005 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल सही है, 8 माइनस 0.005। अगर 8 माइनस 0.005 लिखूंगा वोल्टेज पावर कितना, 1/3, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट करता है हमारा आइडेंटिटी, वो सपोर्ट करता है 1+x^n को, जिसको सपोर्ट करता है 1+x^n को, समझ गया ना। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 8, तो बाहर निकलेगा 8^1/3, मतलब 8^1/3 क्या होता भैया, 2 होता ही नहीं होता। हाँ, अब यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस 0.0005 अपॉन कितना, 8^13। अरे गलती चली गई है बेटा, चलो ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलो इसको और ज्यादा मजेदार बनाना है, 2 1 माइनस बेटा इसको 5 8 और डेसिमल ब्रेक करके 1 2 3 बोलो, अब ठीक है, अब ये डेसिमल ब्रेक करके हो गया। अब इसको तोड़ मत देना क्योंकि हमारे क्वेश्चन का भविष्य इसी पर टिका है, क्योंकि लड़ाई ही क्वेश्चन के डेसिमल को लेकर के है, समझ गए, जो क्वेश्चन की लड़ाई है वही डेसिमल पॉइंट को लेकर के है कि शुद्ध 3 मान पर दशमलव तक वैल्यू होता। बेटा तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, तुम है ना चलती हुई ट्रेन में बैठे हो, तुम उछल कर, ठीक है ना, अभी 2-3 दिन की कथा छूट गई है तुम्हारी, तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा, सब बढ़ा के रखना। ये आ गया भैया पावर कितना, 1/3। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। अब देखिए भाई यहाँ पे हमारा अगर हम बोलते एक नेचुरल आंसर कितना है, तो अगर डायरेक्टली देखो ये 1 से बहुत छोटा है, 1 से क्या है बहुत छोटा, तो हम एक डिजिट तक करते तो वो एक 1 - x^n वाला फॉर्मूला लग जाता, 1 - x^n = 1 - n, बट भैया अब हमको इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक डिजिट तक में काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक डिजिट तक में अपना आंसर नहीं आएगा शायद, अगर आप एक डिजिट में खोलने की कोशिश करोगे तो इसमें आंसर आपका नहीं आएगा, करके देख लो यदि आपको करना हो तो। देखो 2 times देखो क्या आएगा, 1 - 1/3 को अंदर घोसे रखो तो क्या हो गया, 5 upon 3 into 8 कितना, 3 8 24 और कितना भैया यहाँ पे 0 बोलो, हाँ आ गया, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 यहाँ पे गया भैया 24,000 माइनस कितना 5 अपॉन में कितना है 24,000 है ना,
दो से कट गया कितना आया 12,000। तो 12,000 24,000 माइनस 5 बटे 12,000 और 24,000 में से 5 गए 23,995 बटे कितने 12,000। बोलो हाँ। अब एक काम करो, हजार को रोक दो, 12 मोड़े कितना 1,000। यस सर, टाइम कम खराब ना हो, जल्दी कैलकुलेटर में इतना करके देखो कि 23,995 में 12 का भाग कितना आ रहा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 23,995 बटे 12 कितना है डेसिमल? बट याद रखना ये शुद्ध मान नहीं है, ये केवल आपने एक पहला टर्म खोला है। 1.9995 ये है भैया, हजार का ही मल्टीप्लाई कर दिया क्या आपने? नहीं, ये हजार भी दे दिया क्या मल्टीप्लाई? अरे मैंने 12 दस का बोला भाई। 23,995 बटे 12,000 कितना है? 1.9958 तो नहीं आ रहा। अच्छे से देखो, वही तो क्या है, 1,999.58 अपॉन कितना बचा? 1,000। 1,999.58 अपॉन 1,000। अब देखो जरा, अब यदि मैं बोलूंगा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप, तो 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 ये आ गया, तो मतलब पॉइंट चला गया 1.99958 आया 1.99958। अब देखो भैया सुनो, अब इसमें क्या है कि इसको इन लोगों ने राउंड ऑफ किया हुआ, समझ गया ना? अब 5 के आगे 8 है, बड़ी संख्या तो 5 का बदल जाएगा 6, तो आंसर आ गया 1.99956। समझ में आया कि नहीं? तो एक डिजिट अगर आप कर रहे हो तो आपको ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ा और सॉल्व करो, समझ रहे हो? थोड़ा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगी, कहाँ पे दिक्कत होगी? देखो उसमें मैंने इसको और ज्यादा आगे खोला है, इसको और ज्यादा आगे खोला है, खोला कि नहीं खोला है ना? अब कैसे खोला है जरा देख लो उसको भी, ये देख लो, नहीं तो तुम कहोगे सर ये एक्सपेंशन कहाँ से होती है, ये मैंने क्लास में करवाई थी हालांकि, तो मैं इसको रफ कर दूँ कि पहले फोटो लेना है, जल्दी से ले लो फोटो में। कहाँ 24,000 है? अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे 24,000 है, हाँ यहाँ पे राइट। अब देखो भैया, अब आगे की बात सुनो, अब यहाँ देखा करो, जब कुछ नई चीज बता रहा हूँ इधर देखो ध्यान से, उसको सॉल्यूशन छोड़ो भी, तो तुम कहोगे सर ये आगे कैसे आ गया, आगे आया है कैसे आया है? अब ये देखो, ये एक्सपेंशन कब लगती है, जब याद रखना जब x की वैल्यू 1 से क्या होती है बेटा, छोटी, कई बार बोल चुका हूँ 1 से छोटी के लिए अप्लाई होता है, थ्योरी शीट में लिखा भी हुआ है। अब देखो कैसे लगता है, खुलेगा कैसे, वही NC0, बोलो हाँ NC0, 1 की पावर n गोली मारो, और माइनस x की पावर कितना 0, क्योंकि 1 माइनस x मतलब 1 प्लस माइनस x, फिर NC1 है ना, 1 की पावर कुछ भी हो, माइनस x की पावर कितना 1, फिर NC2 माइनस x की पावर कितना 2, फिर NC3 माइनस x की पावर कितना 3, डॉट 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 डॉट, अगर मैं आर प्लस वन सिस्टम की बात करूं तो NCR माइनस x की पावर कितना ये आएगा। अब शुरू के 2-3 टर्म खोल करके देख लो बेटा, NC00 तो NC01 होता है, तो 1 और ये भी पावर 0 हो गया, तो कितना आएगा 1, फिर NC1 कितना होगा, सब लोग जानते हैं x, और x की पावर माइनस 1 तो माइनस x, तो 1 माइनस क्या हो गया x, आया समझ में? अब हम आगे के टर्म इतने छोटे पड़ते हैं कि उनको हटाते जाते हैं, हम कहते हैं हटो ये तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, इतने छोटे टर्म हैं कि उनको हमको रखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आगे के टर्म हट जाते हैं, तो
तो एन सी टू यदि मैं खोलूं उसको आगे फिर भी, तो चलो एन से दो कदम पीछे एक होगा एन और एक होगा एन माइनस वन, और नीचे दो कदम पीछे टू इंटू वन और एक्स का क्या स्क्वायर। समझ में आया? अगर एन सी थ्री की बात करूं तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू और नीचे दो कदम पीछे कितना थ्री इंटू टू इंटू वन, तीन कदम पीछे और यहाँ पे एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब बट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स की और पावर है, विषम घात आएगी एक्स की और में माइनस आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? इस तरीके से करना है, ऐसे आर का पता जाएगा एन सी आर माइनस एक्स की पावर। समझ में आया? अब आप देख लीजिए, तो हमने आप वैसे जो मैंने सॉल्व किया है पूरी स्टोरी शीट में, मैंने तीन टर्म लेके सॉल्व किया है क्योंकि उसमें फिर आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो राउंड ऑफ मैंने पांच को है छह पांच से बड़े को मान लिया, समझ गया ना? तो इसमें मैंने ऐसा करके किया है तीन टर्म में पुट करके, ठीक है बन जाएगा। चलो आगे बताओ। अच्छा देखना हो तो देख लो, वन माइनस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन पेज नंबर 82 जो है उसमें दी गई है, एक्सपेंशन दी गई उसके पहले ही, उसके पहले जो क्वेश्चन पूछा ना उसके जस्ट पहले दो पेज ऊपर, दो तीन पेज ऊपर। चलो आ गया समझ में? चलो और बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन कराओ। कौन सा क्वेश्चन कराना है इसके बाद? 15 तो हो गया, 15 तो करा लिया, 16 भी करा लिया, और बताओ। चलो एक फॉर्मूला बना देता हूँ बच्चों, लिखो बहुपद प्रमेय मल्टीनोमियल थ्योरम, छोटा सा फॉर्मूला है एक मिनट का, मल्टीनोमियल थ्योरम बहुपद प्रमेय। क्या होती है मल्टीनोमियल थ्योरम? जैसे मान लो आपके पास मैंने कहा u प्लस v प्लस w प्लस x प्लस y प्लस z की पावर n, कितने पद होंगे इसमें? समझ गया ना? इसमें कितने पद होंगे? देखो तो कैसे गिना हुई, जब उसको एक्सपेंड करोगे तो कितने पद होंगे? दो जब करते थे x प्लस y की पावर 2 n, तो कितने पद खोलते थे? n प्लस 1, याद है? n प्लस 1। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है, ऊपर आता है n, अब जितने हैं गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो n प्लस 6, n प्लस 6 कितना है? एन प्लस सिक्स, और माइनस का कितना? 1 3, यही चीज 6 माइनस 1 नीचे छाप। समझ में आया? नहीं आया है ना? एन प्लस 6 माइनस 1 और नीचे कभी जो होगा है ना अपॉन 6 माइनस 1 यानी कि 5, 6 माइनस 1 यानी कि 5, ठीक है ना? अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल आया है, तो क्वेश्चन में आपके एग्जांपल आया है कि एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ो, 18 तो दूसरे टाइप का है, चलो 17 ही मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है x प्लस y प्लस z प्लस w, x प्लस y प्लस z प्लस w, ठीक है ना? x प्लस y प्लस z प्लस w की पावर 10 में कितने पद खोलेंगे? पावर 10 में कितने पद खोलेंगे? देखो भैया, तो 1 2 3 4 कितने हैं? तो ऊपर 10 प्लस 4 माइनस का 1 और नीचे क्या? 4 माइनस 1 यानी 3, मतलब ऊपर 13 और नीचे कितना? 13c3 कितने? 13c। चलो सॉल्व कर लो, 13 से 3 कदम पीछे 13, 12 11, 3 से 3 कदम पीछे 3 2 1, 3 से कितने बार? 2 से कितने बार? हाँ पहले 13 गुणे 11 करो, 1 1 43 1 43, बोलो आया समझ में? और इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दो? 2, तो 2 × 3 = 8 के पद, मतलब इसको जब खोलोगे तो कितने पद मिलेंगे? 286, कितने पद मिलेंगे? 286। समझ में आ गया? हाँ, तो इस तरीके से करते हैं। अगला सवाल लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो x प्लस वाई
प्लस जेड की पावर एन में, एक्स वाई प्लस जेड की पावर एन में, एक्स की पावर एन वन, एक्स की पावर एन टू एंड एक्स की पावर एन थ्री का गुणांक, का गुणांक एक्स की पावर एन में, एक्स की पावर एन वन, एक्स की पावर एन टू और एक्स की पावर एन थ्री का गुणांक, जहां एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री बराबर क्या है भैया, एन है, जहां एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री बराबर क्या है, एन है। अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्वेश्चन है, इसको समझो क्या होता है आंसर इसका, इसका आंसर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री, ये है इसका जबरदस्त फॉर्मूला भाई, इसको रट लो। समझो कैसे होता है, जैसे मैंने तुमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर है 15, क्या है बेटा 15, जब इसको खोलोगे जबरदस्त इसको खोलोगे तो बहुत सारे पद निकलेंगे इसके, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कितने निकलेंगे इसके पद, 15 प्लस 3 18 माइनस 1 17 सी 2, समझ में आया ना, ढेरों पद निकलेंगे बेटा इसके, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 17 सी 2 जितने भी हो निकाल लेना। अब उन पद में आपसे बोला जा रहा है के प्रकार में, के प्रकार में एक्स की पावर 6 वाई की पावर 2 और जेड की पावर 7 का गुणांक, का जब इसको खोलोगे तो x और y और z के टर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब x की पावर 6 y की पावर 2 z की पावर 7 का गुणांक पूछ रहा है, जब इसको अरेंज करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा ना, जैसे a और b के जोड़े आते थे तो इसका गुणांक है, तो पहले चेक करो कि क्या ये टोटल जोड़ करके 15 हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि 15 ही बैठा है, 6 और 2 8 7, क्योंकि शर्त ही है कि n1 + n2 + n3 बराबर n होना चाहिए, उस समय जो गुणांक निकलेगा बेटा आंसर आएगा ऊपर फैक्टोरियल 15, नीचे आएगा फैक्टोरियल 6, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 7, इसको सॉल्व कर लो जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो भैया n1 n2 n3 अपनी अपनी जगह बदल सकते हैं ना, कुछ तो होगा उनकी जगह, वो सूत्र है बिल्कुल सही बोल गए, यहाँ पे y लिखना था बच्चों, सो सॉरी x y z है, मैंने पावर को देखा, वेरिएबल तो अलग अलग होने थे ना, x y z है एग्जैक्टली, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में, x की पावर n1 y की पावर n2 एंड z की पावर n3 का गुणांक क्या होगा, ठीक है, आज माइक लगाना भूल गया था, देखो अभी माइक लगाया हूं, हेलो हेलो, ठीक हाँ ठीक है, सॉल्व नहीं करना वो देख लेना आप सॉल्व करके, चलो अगला सवाल पे आओ, छोड़ दो इतना, एग्जांपल नंबर 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 इसी का एडवांस वर्जन है, इसी सवाल को थोड़ा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में किया गया है, द कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी टू द पावर 6 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी होल टू द पावर 6 में, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी के होल की पावर 6 में ए की पावर 3 बी की पावर 4 और सी की पावर क्या 5 का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना,
देखो भैया, आपने जो हमें टर्म दे रखे हैं वो ए बी बी सी सी ए दे रखे हैं, तो इसको पहले अरेंज कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल पावर कितना है? सिक्स दे रखे हैं, ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं लेट कि जो ए की पावर थ्री और बी की पावर फोर और सी की पावर फाइव आप दे रहे हो, वो हमें आप एक्चुअली ये कुछ ना कुछ ऐसा समझो, पहले लिख दूं मैं, वो ए बी की पावर एक्स, बी सी की पावर वाई और सी ए की पावर जेड मिला के बना होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा? मतलब ए बी का पावर एक्स होगा, बी सी का पावर वाई होगा और सी ए का पावर कितना होगा? जेड होगा, उसको मिला करके अपना ये बना होगा, ठीक है ना? जैसे मान लो यहां पे ऐसे ए की पावर यहां पे दो आ गई, यहां पे ए की पावर दो आ गई और यहां के ए की पावर एक आ गई, तो दो पावर और एक पावर कितनी होंगी? तीन पावर। और यहां भी हमें कितनी चाहिए? तीन। चलो खोल दो इसको, ए की पावर थ्री, बी की पावर फोर, सी की पावर फाइव इक्वल टू ए की पावर कितना बेटा? एक्स प्लस जेड, एक्स यहां से जेड यहां से, हाँ या ना? बी की पावर कितना? एक्स प्लस वाई और सी की पावर कितना? वाई प्लस जेड। चलो कंपेयर करो इक्वेशन, एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? फाइव। बेटा तीनों को जोड़ दो, एक्स एक्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, हाँ या ना? हाँ या ना? तो टू टाइम्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना बनेगा? टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन चार सात और पांच कितना? बारह। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? छह। आया समझ में? अब यदि इसमें से x और z को माइनस करोगे, इसी में से माइनस कर दोगे, तो 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो काय की वैल्यू निकलेगी? y की। समझ में आया? नहीं आया भैया? x प्लस वाई प्लस जेड है, इसी को उठा के माइनस कर दो, तो x और z माइनस हो गया, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। मतलब पहला क्या आया? y इक्वल टू 3। दूसरा अगर इसको माइनस करोगे, x और y चला जाएगा, z बचेगा, 6 में से 4 गया 2, तो z इक्वल टू कितना? 2। और तीसरा y और z माइनस करोगे, तो y और z माइनस हुआ, तो क्या बचेगा? x, x इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, x इक्वल टू कितना? 1। तो ये तीन हमारे पास आ गए हैं, अब यहां पे रख दो इनको। तो मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हमें a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 5 लाने के लिए ए बी के ऊपर कितनी पावर पे खेलना पड़ेगा? 1 पावर पे। बेटा बी सी के ऊपर कितनी पावर पे खेलना पड़ेगा? वाई पावर, 3 पावर भाई। और सी ए के ऊपर कितनी पावर से? 2 पावर से। आ गया? मतलब पहले जो हमें ये जो इन लोगों ने उलझा करके हमें दे दिया था, ए बी बी सी सी ए, समझ गए ना? ए बी बी सी सी ए। अब हमने तुम्हारी भाषा में ही निकाल लिया कि ए बी तुम कितने होगे, बी सी तुम कितने होगे, सी ए तुम कितने होगे, हाँ या ना? अब ये चाहिए है, अब हमको कह रहे हैं अच्छा पहले चेक करो कि तीनों का गुणांकों का योग क्या पावर के बराबर है। टोटल पावर कितनी दी है भाई साहब, है ना? 3, 2, 5 और एक कितना? 6। अब इसको ना काउंट कर लेना, क्योंकि हमारे जो टर्म है वो ये है, ये है हमारा x, ये है हमारा y और ये है हमारा z। समझ में आया? तो अब हमसे पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू होगी, तो आंसर आएगा ऊपर है फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 6, हाँ या ना? अपॉन एन वन एन टू एन थ्री। एन वन बताओ, 3, 4, 5 ले लूं या 1, 3, 2 ले लूं? 1, 3, 2, क्योंकि मतलब 1, 3, 2 से है, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 6, 5, 4 और 3 की 12, 3 की 12 से 3 की 12 कैंसिल, 2, 2, 4, 6, 5, 30 और 2 कितना? 60। देख करो बेटा, चेक करो, है 60 ऑप्शन में, है ना? बिल्कुल ये हो गया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। चलो और बताओ कौन सा क्वेश्चन कराना है, जो ना बना हो, जो किया हो वो पूछना, बिना अटेम्प्ट करे कोई नहीं पूछना, इतना ही किए हो। 19 बन गया? नहीं बना? अरे बेहद इजी यार, 19 बेहद सामान्य क्वेश्चन है। हाँ बेटा, कहाँ पे? देखो बेटा, ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 इक्वल टू क्या था? ए बी की पावर एक्स, बी सी की पावर वाई, सी ए की पावर जेड। हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 1। हाँ,
ये कैसे कर लिया? अच्छा, इसको बेटा खोलोगे तो ये अलग अलग टूट जाएगा, नहीं होगा? बोलो एक्स एक्स, ये क्या और ये क्या? और फिर एक थ्योरम होती है आठवीं क्लास में कि आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर एक्स प्लस जेड है ना, बेस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है। चलो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो भैया क्या है कि आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट वही था, बट क्वेश्चन जो है आपको तीन में उलझा दिया गया। हो सकता है भैया कि यहाँ पे एक और वेरिएबल धर देता, तो ऐसा करेंगे तो अपन भी चौकन्ने रहेंगे, कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए और बताइए कौन सा बताना है? 19 करने की कोशिश करी कि नहीं करी? की है तो बताना पड़ेगा। देखिए 19 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, उनका अवलोकन करना पड़ता है, उनको घूरना पड़ता है। 19 क्वेश्चन घूरने वाला ही है, इसको जितना घूरोगे उतना ही समझ में आएगा। समझ गया ना? हाँ भैया, देखो 1 - x + 2x² की होल पावर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 1 - x + 2x² की होल पावर 6 है इक्वल्स टू 1 प्लस, यार बोलो क्या है? a1x है ना, 2x² है। चलो भैया हाँ ठीक है, 1 + 2x² 1 + x - ये प्लस है ना बेटा? चलो देखो ठीक है, 1 + x - 2x² की होल पावर 6 में a1x + a2x² + a3x³ है ना, a1x + a2x² + ... चलते 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 12वां पद खुल रहा है इसका अंतिम। कौन सा पद खुल रहा है? 12वां पद, a12x का पावर 12 है बेटा। हाँ ठीक है, 12वां पद खुल रहा है ना, खुल रहा है। हाँ मतलब इस सीरीज में टोटल बन रहे हैं 13 पद। कितने बन रहे हैं? 13 पद। खैर हमें पद नहीं याद करने को बोले गए हैं कि कितने पद हैं, है ना। यहाँ पे टोटल 13 पद में ये सीरीज दी गई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सीरीज अपन को 13 पद में दी गई है। अब क्या कह रहा है? तो कह रहा है a2 + a4 + a6 + ... a12 का मान क्या होगा। आया समझ में? यार क्या हो रहा है, हो ये रहा है, बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है कि सारे ये a1 वाले जितने ये कोफिशियंट हैं 1, 3, 5 ये सारे कट गए। कट गए कि नहीं कट गए? कट गए कि नहीं कट गए? ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? कट गए हैं। मतलब इनको हटाना है, इनको क्या है? हटाना है। तो एक अटेम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x = 1 के लिए निकालो पहले। किसके लिए? x = 1 के लिए। चलो x = 1 रख दे बेटा, तो 1 + 1 और माइनस का कितना? 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 + 1 और माइनस का 2 की पावर कितना? 6। बेटा कितना बनेगा? 1 + a1 + a2 + a3 + a4 ... बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? चलो ठीक है, अब एक बार x की जगह -1 रखो, तो 1 और माइनस का 1 और ये कितना भैया? माइनस का 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये तो -1 बनेगा और ये -2 × +1 कितना होगा? -2 की पावर कितना? 6। मगर 1 माइनस कितना? a1। 1 माइनस कितना? a1। आया ना? प्लस कितना? a2। ओके, प्लस कितना? a2 है ना। हाँ भैया, माइनस कितना? माइनस कितना? प्लस कितना? a4 ... प्लस कितना? a12। हाँ या ना? चलो अब देखो, सोचो क्या करें, प्लस करें या माइनस करें। अगर माइनस करोगे तो बैंड बच जाएगी, फिर से a1 आ जाएगा, अगर प्लस करोगे तो अपने आप निपटेगा a1 से a1। हाँ या ना? देखो भैया, 1 + 1 कितना और प्लस कितने? a2 + a2 कितना? 2a2 प्लस कितने? a4 और प्लस कितना? 2a12। और यहाँ भी प्लस किया था तो ऊपर तो 1 और 1 = 0 हो गए थे, हाँ या ना? यहाँ ये भी कैंसिल हो गया था, और -2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता 32 और 2 = 64। यस और नो? आया? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए देखो क्वेश्चन में a2 + a4 + a6 चाहिए ना, मतलब हमें यहाँ से एक कथा चाहिए। यस और नो? तो पहले
64 में 2 इधर लेकर के आओगे तो 64 से 2 माइनस हुआ कितना बचा बेटा 62, कितना बचा 62। अब ये बच गया 2, यहां पर बच गया 2a2 प्लस 2a4 प्लस अप टू 2a12 है ना, और 2 मैं ले सकता हूं कॉमन, तो a2 प्लस a4 प्लस अप टू कितना a12, आंसर कितना आएगा डिवाइड करके 31। चेक करो है क्या ऑप्शन में 31, ठीक है ना भैया, ये तो सवाल में लिया है ना, सवाल देखो पहले, आप पहले देखो सवाल फिर पूछ, फिर ना क्या ना समझ में आएगा, मेरे को दिख रहा है आपका सवाल, सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्जर्वेशन अवलोकन वाला क्वेश्चन है, हमने कहा ना केवल अवलोकन करना पड़ेगा इस प्रश्न का, ऑब्जर्वेशन करिए। नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं एग्जाम में, बट हम लोग छोड़ करके आ जाते हैं, है ना। हाँ भैया देखो भैया गिवन है, पहली चीज तो गिवन है, पहली चीज क्या है गिवन है, अब निकालना है कि अगर पावर 6 में कितने टर्म होंगे, तो फिर लगाइए वो फॉर्मूला लीजिए, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 माइनस 1, बोलो हाँ, और C3 माइनस 1, यस और नो, यही तो होता है 6 प्लस 3 माइनस 1, तो 6 3 9, 9 में से 1 गए 8, सी कितना 2, चलो सॉल्व करो, 8 से 2 कदम पीछे, 8 गुणे 7 और 2 गुणे 1 है ना, तो यहां पर देखिए कितना हो गया 4, तो टोटल इसमें कितने पद बनेंगे 28 पद बनेंगे, अब 28 पद बनेंगे, अब मे भी, अब आप कह रहे हैं कि सर यहां पर ये 28 आ रहा मगर इसमें 12 पद क्यों दिए गए हैं, ये आपका रीजन बिल्कुल सही सवाल होगा कि 28 पद आ रहा है, क्योंकि वहां जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहां जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है एक्स वाई जेड के लिए, मतलब ये अपने आप में वेरिएबल, इसमें एक्स का कोई योगदान ना हो, इसमें भी एक्स का कोई योगदान ना हो। अब ध्यान से देखो, यहां पर वेरिएबल ये 1 था, इसमें एक्स घुसा है और इसमें भी एक्स घुसा हुआ है, अगर इसमें एक्स ना घुसा होता यहां पे अकेला वाई होता, सिंगल वाई स्क्वायर भी ना होता, ये एक्स स्क्वायर है, समझ गए ना। हाँ तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको देखिए वो था x प्लस वाई प्लस w, याद आया, तो वो केवल एक सिंगल वेरिएबल के लिए वो फॉर्मूला है, वो इसमें नहीं लग जाएगा भैया, ठीक है ना। बोले सर इसमें तो 28 पद हो रहे हैं, इसके 12 कैसे हो रहे हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके 12 पद होंगे, क्लियर है, बन जाएगा, नोट करो। चलिए सवाल नंबर 2 डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, ध्यान दे, द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 होल टू द पावर n। चलिए इसमें कह रहा कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4, मतलब एक्स के पावर 4 का गुणांक आपको बताना है, काय की प्रसार में, प्रसार है 1 प्लस एक्स की पावर 1, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स का की होल पावर कितना n में, x की पावर 4 का गुणांक बताना है, ठीक ना, की पावर n में x की पावर 4 का गुणांक, पहले दिमाग लगाओ, पहली क्वेश्चन को देखो, सोचो क्या शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, क्या कोई जुगत हो सकती है, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देख करके क्या लग रहा है कि इसमें कुछ हो जाए, ऑप्शन में एक ट्रिक बन सकती है मगर वो ट्रिक शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, वो तो बैंड बजा देगी और ज्यादा, ऑप्शन चेक करने में नानी याद आ जाएगी, इसलिए छोड़ो इसको, इसको आप सीधे तरीके से करने की कोशिश करो। देखो बेटा, सर आपने तो हमें 4 पावर पढ़ाई नहीं है, फिर इसको हम ऊपर कैसे कर लेंगे, आपने तो हमें बाइनोमियल पढ़ाया है, 2 पद का पढ़ाया है, 4 पावर कैसे ओपन कर लेंगे। बेटा यार ध्यान दो, कोई ना कोई हिंट जरूर होगी, बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कॉमन ले लो तो क्या बन गया ये 1 प्लस एक्स, हाँ है ना, कि होल पावर एन, और बेटा ये बन गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस एक्स की होल पावर पूरे का क्या एन, बोलो हाँ, अब इससे कॉमन ले लो भैया 1 प्लस एक्स, तो बाहर क्या निकल करके आया 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, और अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, हाँ या ना, कोई दिक्कत, सिंपल है यार। चलो अब इसको ओपन करो, देखो इसको तो अपन तो जानते ही है, एन सी जीरो ठीक ना, फिर एन सी वन इंटू कितना एन सी टू इंटू कितना एन सी थ्री इंटू कितना
एन सी फोर इंटू एक्स की पावर फोर प्लस डॉट 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 डॉट, बट लिखने की कोई जरूरत आगे नहीं है क्योंकि इन लोगों ने हमसे किसका गुणांक पूछा है, चार का, किसका पूछा है। अब आगे लिखोगे तो पांच पावर आएगी, काय को फालतू परेशान होना, हाँ या ना, नहीं आया सुन में। अब इसके मल्टीप्लाई में ये बैठा हुआ है, इनटू मल्टीप्लाई, जरा ध्यान से, पावर कितनी है, टू एन, कितनी पावर है, एन, एन सी जीरो, बोलो हाँ, फिर एन सी वन, एक्स का स्क्वायर की पावर वन, मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अरे भैया पहले एक्स था तो एक्स की पावर वन आती थी, एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, एन सी टू, एक्स की पावर, एन सी थ्री, एक्स का पावर, बस काफी है, कोई फायदा नहीं है आगे लिखने से। चलो कह रहा है कि केवल x की पावर 4 का गुणांक बताओ, तो अब हम x की पावर 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लाई, मतलब जितने इसके n पद हैं, सॉरी n प्लस 1 पद इसके हैं और n प्लस 1 पद इसके हैं, हर पद को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कौन x की पावर 4 दे रहा है। उठाओ पहला, ये पहला आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या x की पावर 4 देगा, ये देगा, ये देगा, का नहीं देगा भैया, एन सी जीरो है, कॉन्स्टेंट है और एन सी टू के साथ भिड़ेगा तो देगा ना, तो x की पावर 4 कौन देगा, एन सी जीरो इंटू एन सी टू, हाँ है ना, हाँ है ना, अरे इसको उठाओ, कॉन्स्टेंट है, नियतांक पद है, जब जाएगा तो इसमें नहीं देगा, इसमें x की पावर 2 बैठा है, इसमें तो देगा ना x की पावर 4, प्लस इसको उठाओ एन सी वन, एक्स है, एक्स है, मतलब इसको तीन की जुगाड़ करनी है, तीन पावर की, इसके साथ देगा, इसके साथ देगा, इसके साथ देगा, इसके साथ देगा क्या, नहीं देगा, मतलब खेल खराब हो गया, एक मिनट यार, हाँ सही है, नहीं देगा तो इसका हो ही नहीं पाएगा, क्यों, x की पावर 3 कहीं है ही नहीं तो नहीं देगा, आगे बढ़ो, हाँ भैया देखिए, हाँ एन सी टू, एन सी टू इसके साथ देगा, इसके साथ देगा, हाँ तो एन सी टू इंटू एन सी वन, एन सी टू इंटू एन सी वन, चलो आ जाओ लास्ट, एन सी थ्री इसके साथ देगा, इसके साथ देगा, इसके साथ देगा, नहीं देगा, एन सी फोर एक्स की पावर 4 पहले वाले के साथ देगा, एन सी फोर इंटू एन सी जीरो, भैया ये है गुणांक, चेक करो ऑप्शन में, एन सी फोर इंटू एन सी जीरो है क्या, है क्या, अरे छोड़ो वो सब, दूसरा तरीका, हाँ अच्छा भैया परेशान हो गए, एन सी फोर इंटू, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ भाई, आंसर सामने बैठा हुआ है, लो भैया चलो, एक्स की पावर 4, हम क्यों करें टी आर वी आर से, एन सी जीरो कितना होता है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई एन सी टू के साथ कितना होगा, मैं यहाँ पे क्या करता, अगर पहले टर्म में 1 लिख लेता तो भी तो कोई दिक्कत ना होती ना, बात तो एक ही है, तो पहला एन सी टू इंटू 1 कितना हो गया, एन सी टू, फिर इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एन सी 1 इंटू एन सी टू, फिर एन सी जीरो फिर से क्या हो गया, तो आंसर क्या हो गया, एन सी 4, अब चेक करो आंसर, फोर्थ वाला देख लो, एन सी 4 बैठा है, एन सी 2 बैठा है, और एन सी 1 इंटू एन सी 2 थर्ड टर्म में बैठा है, करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है, ले लो फोटो इसका। चलिए तो सभा समापन होते भैया, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं।